इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं खुद भी मानता था कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है, प्रूफ क्यों नहीं मिलते? लिखावट तो कोई भी, और सारे जो सबूत हम दिखाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी किसी विदेशी से मिलता हूँ, मैं जाता हूँ बार बार, तो उनको दिखा तो देता हूँ कि ये इतना पुराना है वो, लेकिन सारे चीज कागज पे ही क्यों मिल रही है, जबकि कागज तो 1200 साल पहले की खोज है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, आप अगर कुछ समाधान दे सके तो। तो कागज 1200 साल पहले लिखा गया, उसके पहले ताड़पत्र ने, ताड़पत्र, भोजपत्र, वो सब चलते थे। हाँ, लेकिन उसके हाँ, पर उसके ऊपर आज हम जो बातें करते हैं कि भाई करोड़ों साल पहले ये सब चीजें थी, तो वो 1200 से पहले क्या करोड़ों साल का तो हमने दावा ही नहीं कर रहे। अरे सर, ऐसे कैसे, मतलब आप सिर्फ महाभारत को देखेंगे तो उसका काल 5000 से 10000 साल माना गया है। ने माना है, मतलब 5000 से माना, 10000 5000 मानते हैं हम लोग तो भारतीय संस्कृति में। नहीं मतलब नहीं सर, वी कांट जस्ट स्टिक विथ अ सिंगल कमेंट। जैसे आप इस्कॉन में जाएंगे या फिर आप नहीं है जो महाभारत के या जो परंपराएं कहती है, बात इस्कॉन में कीजिए, 3000 BC मानता है, और जो एक अभिलेख है। बिल्कुल सर, मैं फिलहाल में किसी भी मत पंथ संप्रदाय को बाहर नहीं गिन सकता, क्योंकि हम सब आफ्टर ऑल सनातन है ना। ऐसे तो सबका वो करने लग जाए। आप देखिए, जो प्राकृति या पाली या बुद्ध के भी मानते हैं, तो उनके पास भी कोई प्रमाण नहीं है आर्कियोलॉजी के लिए। नहीं, पर उनका, हाँ तो उनका तो मतलब, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, आई वॉज अ UPSC एस्पिरेंट ऑल्सो, तो मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसमें तो कई जगह पे स्टोन टैबलेट्स मिले हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन। बुद्ध के टाइम का इंस्क्रिप्शन कौन सा है बताइए? बुद्ध के टाइम का नहीं है, दैट बुद्ध के टाइम का बताओ ना, 100% बताओ ना। जस्ट मैंने, बुद्ध के टाइम का नहीं है, लेकिन बुद्ध जो, के जो पत्थर पे मिलता है वही प्रमाणिक होता है। संस्कृत नहीं मिलती तो नहीं है, तो इसका मतलब बुद्ध नहीं मिलते हैं तो वो प्रमाणिक नहीं है। चलो, बुद्ध का एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन वैसे बुद्ध की हड्डियों की तो बात मैंने सुनी है, पर चलो उसको भी हम भूल जाते हैं कि वो नहीं थी, सोच लीजिए। लेकिन बुद्ध के विवरण, मतलब उनका जो, उनकी बातें हैं, वो पुराने स्टोन इंक्रिप्शंस, जैसे जूनागढ़ का लेख है, या फिर सारनाथ है, या फिर बरहूत है, या देउर कोठार, मतलब आज का देव कोठार, तो वहां पे मिलते हैं, जबकि हमारे कल्चर के कुछ भी चीजें नहीं मिल रही। इसलिए मैं, और इसीलिए मैंने अपना टाइटल लगाया है एग्नोस्टिक, क्योंकि आज तक मैं भी पागलों की तरह हमारी बातें करता था, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। आपको लिखावटी पुराण तो मैं आज भी जनरेट कर सकता हूँ, और वो तो उसमें हम, वो तो हम मतलब एक चालाकी कर सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ, मैं प्रमाण देता हूँ आपको। ठीक है बाबा, अब उत्तर तो सुन लीजिए। आपने कहा कि बुद्ध के अशोक के अभिलेख में मिलते, तो हम ये मान सकते हैं अशोक ने बुद्ध नाम का पात्र कल्पित किया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पंचमार्ग को आप जानते हैं, PMC, जो मौर्य काल से भी माने गए। माफ करिएगा, क्या बोले? क्या बोले? पंचमार्ग कॉइन, पंचमार्ग सिक्का, PMC। जी हाँ, जानता। हाँ, वो अशोक से पुराने, उन पर कृष्ण और बलराम का चित्रण मिलता है PMC। सर नहीं, वो आप जैसे आपने बोला, जैसे वो अगर अशोक की कल्पना थी, वैसे यहाँ मैं भी तो कह सकता हूँ, लेकिन आप कह रहे ना अशोक से पुराना नहीं मिलता है, तो अशोक से पुराना प्रमाण ये मिल गया, आपकी बात तो कट गई। मुझे बताइए, जो कृष्ण का जो विवरण है, कृष्ण की जो मान्यता है, वो तो बुद्ध से पुरानी साबित हो गई है,
और आप जानते हैं कृष्ण की जो मतलब मान्यता है वो बिना महाभारत के संभव है ही नहीं है। और दूसरी चीज और बताता हूँ, एक टीकाला माता स्थान है शिवपुरी मध्य प्रदेश में, वहां भी मौर्यकालीन कृष्ण और बलराम का शैल चित्र मिलता है, उसपे लेखक का भी नाम है। और दूसरी बात जो अगर आप देखें भारत में जो अभिलेखों का जो सिलसिला मिलता है वो अशोक से मिलता है, मतलब उससे पहले हमारे यहाँ अभिलेख लिखे ही नहीं जाते थे, इसकी परंपरा ही नहीं थी अभिलेख लिखने की। अब अशोक ने मान लीजिए उसको पाली से ज्यादा प्रेम था, प्राकृत से ज्यादा प्रेम था, वो भी प्राकृत नहीं है, वो मिक्स भाषा है। अगर आप डीसी सरकार है, अगर आप आईएएस कर रहे हैं, जो एपिग्राफिस थे उन्होंने इंडियन एपिग्राफी पे काफी चीजें लिखी हैं, उन्होंने अशोक के जो शाबाशगढ़ स्क्रिप्ट है उनके बारे में साफ लिखा है कि इन पे संस्कृत का प्रभाव था, उसमें कई ऐसे शब्द आते हैं जो प्राकृत में है ही नहीं है, लगता था कि वो भी एग्जिस्ट करती थी संस्कृत। लेकिन जब अशोक ने शिलालेख लिखने की शुरुआत, हाँ हाँ शिलालेख लिखने की जब अशोक ने शुरुआत की तो उसने पहले पाली को स्थान दे दिया। आप जैसे आजकल हमारा कंप्यूटर होता है, प्लेटफॉर्म पे जिसने लिखने की शुरुआत की है उसने पहले इंग्लिश को लिख दिया, दूसरी भाषाएं बाद में लिखी गई है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो भाषाएं नहीं थी। और देता हूँ जो चित्तौड़गढ़ है वहां से नागरी से एक इंस्क्रिप्शन मिला 200 BC का, अशोक का टाइम खत्म हो जाता है 230 BC में, उसके लगभग 30 साल पुराना ही, लेकिन वो पूरा संस्कृत का भी लेख है और उसमें अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। सॉरी सर एक मिनट, क्या वो जो संस्कृत का अभिलेख है हाँ, क्या आप उसको शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन? आई वुड लाइक टू सी। हाँ हाँ प्लीज प्लीज बताइए। देख रहा हूँ आप 1200 ईस्वी का कागज बता रहे हो और स्पिट्जर पांडुलिपि 92 CE में मिलती है, लगभग 2000 साल पुरानी पांडुलिपि है संस्कृत। नहीं पर जॉन प्रिंसेप ने भी इस चीज को साबित किया है कि पाली पुरानी थी। और दूसरा आप जो बात कर रहे हैं, मैंने आपने बोला इसलिए बीच में नहीं बोला, लेकिन अगर पाली पे सर मैं बोल रहा हूँ ना अभी, प्लीज अलाउ मी, मैं आपकी दलील सुनूंगा, भागूंगा नहीं। अभी मतलब जब मैंने जब शुरू किया सुनना डिबेट, उसमें किसी ने बोला कि पाली में संस्कृत के वर्ड है। देखिए जब संक्रमण काल होता है किसी दो भाषाओं का, किसी कल्चर्स का, तो एक दूसरे में शब्द तो घुसते हैं, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि पाली मैंने पहले से कर दिया वो उसे दिखाइए। आपके लिए जॉन प्रिंसेप ने कहा है, कोई बयान दिया जॉन प्रिंसेप ने, उन्होंने तो कहीं की पूरी बुक अवेलेबल है, उनकी पूरी बुक अवेलेबल है, एसेटिक में जो सारे लेख छपते थे वो मैंने पूरे पढ़े हैं उनके। अच्छा ठीक है, आपने शेयर किया आप स्क्रीन पे, वो जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है संस्कृत का वो दिखा दीजिए ना सर। और तब तक मैं अपना जो सेंटेंस इनकम्प्लीट था वो कम्प्लीट करूं। जी करिए। सो अगर मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं सही नहीं भी हो सकता हूँ, कि किसी ने ऐसा बोला कि पाली पे संस्कृत मतलब संस्कृत के वर्ड काफी है और संस्कृत से पाली आई है, तो ये तो उल्टी गंगा हो जाएगी, क्योंकि पाली जो है वो नेचुरल लैंग्वेज थी। नेचुरल का मतलब है बिना संस्कारित। अभी मैंने लिंग्विस्टिक सर्वे का रिपोर्ट पढ़ के बताया था, उसमें बताया जो वैदिक भाषा है वो नेचुरल है, वैदिक से जो संस्कृत बनी वो आर्टिफिशियल। वापस ठीक है, लेकिन सुनिए, संस्कृत पहले नहीं आ सकती है, क्यों? क्योंकि पहले मतलब पाली के अंदर तो काफी उच्चारण ही नहीं थे, मतलब वो एकदम प्रारंभिक लेवल की, प्राइमरी लेवल की भाषा है। मैं आपकी बात को अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे कि संस्कृत के बाद पाली आई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप संस्कृत से डाउनफॉल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। पाली से संस्कृत आ सकती है, भाषा का देखिए हास ही दिखता है ज्यादातर। अगर आप पुरानी ग्रीक देखेंगे उनमें आप देखिए हास ही हुआ है, पुरानी ग्रीक देखिए, पुरानी इंग्लिश देखिए, हर जगह अंतर आया है। वो तो आप पाली सरल भाषा है, ऐसे कई शब्द हैं पाली में जो हम लोग अभी उच्चारण भी नहीं कर सकते। और संस्कृत कठिन कैसे बनती है, संस्कृत में अगर संधि विच्छेद ना किए जाए तो संस्कृत बहुत सरल भाषा है। ब्राह्मण ग्रंथों की संस्कृत देखिए आप, बिल्कुल सीधी भाषा है। वो कालिदास की संस्कृत कठिन है,
वेदों की संस्कृत ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, तो ये भ्रम निकाल दीजिए, कठिन सिंपल है। और ये रहा, ये घोसुंडी का अभिलेख है, 200 BC का, संस्कृत का है और ब्राह्मी लिपि में। एक सेकंड ना, आपने मुझे संस्कृत का लेख बोला ना सर? हाँ, संस्कृत का है, ब्राह्मी लिपि में। सर पहली बात, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत नहीं लिख सकते क्योंकि एक संस्कृत जो सेकंड, है, मैं लिख के बताऊं, बताओ कौन सा वर्ड लिखना है, लिख के बताऊं अभी। संस्कृत ही लिख के बता संस्कृत दीजिए, ठीक है, अगर खुद लिख दूंगा संस्कृत तो लिख के मान बता लीजिए दें। लिख दिया पांडव पे, संस्कृत लिख दिया, संस्कृत क्या? लिख दिया तो मान जाओगे ना कि ब्राह्मी में संस्कृत लिख सकते हैं, हाँ लिख के बता दीजिए और प्लीज। लिखा हुआ दिखाऊंगा भी, तो नहीं, आप आप इस निकाल तरह के किसी सकते पे हैं। नहीं फोर्स, नहीं आप नहीं आप नहीं प्रेजुडिस निकाल नहीं हो सकते हैं। सकते, यू कांट बी प्रेजुडिस सर, सॉरी। इफ यू आर प्रेजुडिस देन डजंट मेक सेंस टू डिबेट और वेट टॉक ब्रदर, विथ। ब्रदर योर भाई, योर टॉक डजंट मेक सेंस बिकॉज यू हैवंट प्रूव एनीथिंग, दैट्स अ पॉइंट मैं एक्चुअली। कुछ, आई इवन डिडेंट केम टू प्रूव एनीथिंग, आई आस्क प्रूफ्स फ्रॉम यू। नो नो नो, यू आर हियर इज टू गेट सेटिस्फाई योर ईगो दैट यू आर यू यू वांट टू प्रूव दैट संस्कृत इज अ वेरी न्यू न्यू लैंग्वेज एंड पाली इज अ ओल्डर लैंग्वेज। डोंट मेक अस फूल यार, नॉट रियली। लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। जस्ट टेल मी वन थिंग ब्रदर, कि अगर कोई चीज का विकास होता है तो वो, हाँ एक चीज जो इन्होंने इंग्लिश में बताई, इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर का इतिहास में पढ़ा हूँ, इंग्लिश में आरंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज पे सिर्फ 600 वर्ड थे, और ये बोल रहे हैं कि पीछे पीछे ह्रास होता है। ह्रास पीछे नहीं होता, हाँ अगर कोई कल्चर नाश हो रहा है तो ह्रास होगा, लेकिन उसमें लैंग्वेज नहीं घटती, लैंग्वेज बोलना कम होते होते लैंग्वेज ही समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका वर्ड्स में वर्ड उसके कम हो जाए, उसके स्वर व्यंजन कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। कार्तिक जी, आपका अपना पॉइंट रखिए सर, अगर आप बोल सकते हैं इस पे। मैं उत्तर देना चाहता हूँ इसका। देखो, ये पत मैं नहीं प्लीज जानता प्लीज आपने सर, कहाँ से IAS की कोचिंग ली है। हो सकता है वही वाली कोचिंग ली हो दुकानदार जिसमें, से दिखाइए हाँ, संस्कृत लिख तो के। भैया, मैंने ये अरे तो क्या, भाषा विज्ञान में, हर भाषा विज्ञान की पुस्तक ही उठाइए, उसमें यही लिखा होता है कि भाषा का ह्रास हो। और ये भी छोड़िए, मैंने ये कहा है कि संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, ये लो ब्राह्मी में संस्कृत लिख दिया है मैंने। एक मिनट सर, एक मिनट, एक्चुअली आई एम ड्राइविंग, सो मुझे, जब आप बोलेंगे ना तभी मैं स्क्रीन पे देख पाऊंगा, जस्ट अ मिनट। देखिए संस्कृत लिख दिया है मैंने ब्राह्मी में। अच्छा, पर अब मुझे ये बताइए, जो ब्राह्मी भाषा है उसमें र का जो आधा उच्चार है, क्रू, संस्कृत, तो रू तो हाँ। उसमें आता ही नहीं है सर, होता र है अभी, नहीं है। तो क्या भी लेख में दिखाता हूँ अभी, रे आधा, और जो भगवत कृति वाला फोटो दिखाइए, रे आधा दिखेगा उसमें, दिखाइए एक सेकंड, युगंधर भगवत कृति वाला दिखाइए। सर आप एक सच, मिनट, अगर आप सच होंगे वहां पे मैं कान पकड़ के भी मानूंगा, लेकिन मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे। क्षत्र ज्ञ रु, ये सारे वर्ड पाली नहीं ब्राह्मी में नहीं थे, और आप ब्राह्मी में कैसे लिख लिख सकते? के भी दिखाऊंगा, और ब्राह्मी के जो अभिलेख है उनमें भी दिखाऊंगा ये सारे शब्द, बोलिए। अरे कौन से टाइम पे? क्योंकि धीरे धीरे भाषा संस्कारित हुई पाली, पहले और उसमें नागरी लिपि के शब्द बीसी भी के ऊपर जुड़ते गए हैं। अरे नागरी के अग्नोस्टिक शब्द भाई, नहीं, भी नागरी तो 12वीं शताब्दी में आई है यार, क्या बात कर रहे हो। मतलब जो क्या क्या भाषा सर? बाद में, जो लिपि बाद में आई उसके शब्द पहले जुड़ जाएंगे जाके टाइम मशीन से, नहीं मतलब आपने खुद बोला 12वीं शताब्दी में इलॉजिकल सर एक मिनट, 12वीं शताब्दी में नागरी लिपि पैदा हुई ऐसा बात आप कह रहे हैं ना, डेवलप हुई, है। तो फिर आप शास्त्र क्यों ऐसे कह सकते हैं कि ये पुराण है सर? ये शास्त्र पहले ब्राह्मी में लिखे जाते थे, गुप्त हाँ तो ब्राह्मी उनकी में, ग्रंथ में ब्राह्मण भी श्लोक दिखा ठीक है। दूंगा। ठीक है, तो गुप्त ब्राह्मी लिपि वाले शास्त्र की कॉपीज आज कहाँ है ये बताइए मैं अभी दिखा रहा हूँ, मैं अभी वाल्मीकि रामायण के श्लोक दिखा रहा हूँ, गुप्त ब्राह्मी में सर। हम एक सभी एक देख ले। एक अरे श्लोक नहीं सर, एक श्लोक नहीं, मेरी मुझे पूरी कॉपीज के बात प्रमाण सुनिए, चाहिए। गोपी तो नष्ट हो जाती ना, भोजपत्र बचेगा थोड़ी, अभी आपका हाँ कागज तो सोशल नहीं चल पाता, अब एक श्लोक मिल रहा है उससे अनुमान नहीं लगा सही सकते आप, सही लॉजिकल नहीं तो सर, है ही नहीं, ऐसे क्या वो तो आज का कोई लिपि है बंदा, वो तो आज का कोई बंदा भी ब्राह्मी लिपि में से उठा उठा के बना सकता है ना। नहीं, आज का नहीं बनाया वाह उसका, वाह वो करा वाह लीजिए वाह, थर्मोडायनेमिक्स में करा लीजिए। ऐसे तो जो आपको पता, पुरर ने अशोक का फर्जी अभिलेख बनाया था, पर जानते हो आप, अगेन वन अगेन अगेन बिलियन सर, अभिलेख बताइए फर्जी है। आप। अच्छा कौन सा कौन सा? एक मिनट बीच में थोड़ा सा रुक जाइए एक आप लोग। मिनट, झूठ बोल रहा है एल्वेस्टिक आदमी, जी, झूठ
एक मिनट, हाँ सर बोलिए, काफी टाइम हो गया है भैया, आप चीजों को समझने के लिए आए हो। एक मिनट लिपि भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, आप इस डिबेट में जानने के लिए आए हो कि बताने के लिए आए हो? अगर बताने के लिए आए हो तो आप ही बता दो, और अगर जानने के लिए आए हो तो जानने की कोशिश करो। आप कह रहे हो कि मेरे को पूरी पांडुलिपि दिखा दो, करना मेरी बात सुन लीजिए ना एग्नोस्टिक जी। ओके ओके, सॉरी सॉरी प्लीज, डिबेट करने आए हैं तो डिबेट कीजिए, बदमाशी मत कीजिए। आप तथ्यों को जानने के लिए आए हैं तो जानने पर विश्वास रखिए। नहीं, इन्होंने एक श्लोक बोला, नहीं चार पांच, पूरा ग्रंथ है ब्रह्मी में, गुप्त ब्रह्मी लिपि में, बोवर मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, शेयर कीजिए। सर एक काम करिए, आप उसका लिंक शेयर कर दीजिए, मैं डाउनलोड करके एक बार देखना चाहूंगा। हाँ, यहाँ देखने में क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ लोग भी देख लेंगे, अब देख के बात करिए। हाँ, वो आप देखा, ये यहाँ पे देखूंगा भी, लेकिन आयुर्वेद पूरा संस्कृत है, ऊपर देवनागरी रूपांतरण है, नीचे गुप्त ब्रह्मी है, ये नीचे गुप्त ब्रह्मी है। I am on the screen right now, पर मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगा, जैसे मैंने बोला कि मैं ड्राइविंग करते करते बात कर रहा हूँ, तो इसका आप लिंक प्रोवाइड करिएगा। I will be more than happy कि अगर मैं इसको चेक कर पाऊंगा। देखिए स्पीति जर मैन्युस्क्रिप्ट, उसका भी दिखा देता हूँ। जस्ट जस्ट मिनट, मैं पहले लिख लूँ, एक मैंने गाड़ी खड़ी रख दी है, एक सेकंड मैं भूल जाऊंगा फिर। बी, अरे यार प्लीज स्टार्ट। बी ओ डब्ल्यू ई आर बोवर मैन्युस्क्रिप्ट एंड सेकंड वन स्पीति जर मैन्युस्क्रिप्ट, कैन यू प्लीज स्पेल आउट फॉर मी? SPITJDR और इसमें पता है महाभारत के पर्वों की भी लिस्ट थी है इसमें, स्पीतिजर मैन्युस्क्रिप्ट में। उसवा जी स्पीतिजर का भी मैंने एक फर्गामेंट भेजा है, वो भी दिखा दीजिए। हाँ दिखा रहा हूँ मैं, और ये कार्बन डेटिंग नहीं है, ये स्पीतिजर मैन्युस्क्रिप्ट, स्पीतिजर का फर्गामेंट दिखा दीजिए जो मैंने ग्रुप में भेजा है। हाँ ये देखो, ये वही वाले तर्क जो राजीव पटेल करते हैं, वो करते हैं कि छह नहीं है, त्रय नहीं है, स नहीं है, संस्कृत नहीं लिख सकते, पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं, जबकि 100 BC से पहले सारे ये मिल जाते हैं, सारे अक्षर ब्रह्मी में, इवन तीनों से तो अशोक के अभिलेख में मिल जाते हैं। लेफ्ट कर गए क्या वो भाई जी? हाँ वो लेफ्ट कर गए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जैसे कि उन्होंने दावा किया कि संस्कृत को आप ब्राह्मी लिपि में नहीं लिख सकते हैं, तो नटराज जी ने उसे तुरंत ही कॉपी पे, साइंस जर्नी और वो राजीव पटेल की किताब वाले हैं वो, अगर IAS पढ़े हो तो हर एक IAS जानता है, कम से कम ये तो मानता है हर एक IAS कि रुद्रा दमन का अभिलेख संस्कृत का अभिलेख है, और वो किसमें लिखा है? ब्रह्मी में। वो कह रहे हैं कि नागरी के शब्द जुड़ने लग गए बाद में। एक सामान्य पुस्तक है लूसेंट जी के, उसी में ही इनको मिल जाएगा। अरे अगर रामायण लोग ब्रह्मी में तो गुरुकुल जर है एक जगह, वहां पे एक म्यूजियम है, पुरातत्व संग्रहालय हरियाणा सरकार की तरफ से भी उसको वो हो चुका है, तो वहां पे देखे रामायण के फलक रखे हैं और उनपे रामायण के श्लोक लिखे हैं गुप्त ब्रह्मी में, जो हमने हमारी पिछली पोस्ट में भी दिखाए थे, और मनुस्मृति का भी श्लोक है वो, है ना, धर्मो रक्षित रक्षित है, तो गुरुकुल झज्जर में कैरा कोटा है, उसमें गुरुकुल झज्जर संग्रहालय, उसमें गुप्त ब्रह्मी में उसकी जाके जो थर्मोडायनेमिक्स या जितना भी एक्सरे वगैरह जो भी करवाना हो करवा लीजिएगा, सच्चा है या झूठा है।